सवाल नंबर एक, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? आपके विकल्प है ए हमिंग बर्ड, बी डक हॉक, सी बीटन पक्षी, डी बाज। इसका जवाब है बी डक हॉक। सवाल नंबर दो, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आपके विकल्प हैं ए दिल्ली में, बी चेन्नई में, सी बेंगलुरु में, डी मुंबई में। इसका जवाब है सी बेंगलुरु में। सवाल नंबर तीन, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इसका जवाब है बी राजस्थान। सवाल नंबर चार, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए हंस, बी सारस, सी कोयल, डी गोरैया। इसका जवाब है डी गोरैया। सवाल नंबर पाँच, भारत ने अपना प्रथम टेस्ट मैच किस देश के साथ खेला था? आपके विकल्प हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी पाकिस्तान, डी वेस्ट इंडीज। इसका जवाब है बी इंग्लैंड। सवाल नंबर छः, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी गुजरात में, डी उड़ीसा में। इसका जवाब है ए केरल में। सवाल नंबर सात, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आपके विकल्प है ए जयनगर, बी सिलोन, सी पाटलिपुत्र, डी युगंधर। इसका जवाब है बी सिलोन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आठ, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके विकल्प हैं ए कला, बी विज्ञान, सी पर्यावरण, डी खेल। इसका जवाब है सी पर्यावरण। सवाल नंबर नौ, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपके विकल्प है ए कोपरनिकस, बी गैलीलियो, सी केपलर, डी निकोला टेस्ला। इसका जवाब है ए कोपरनिकस। सवाल नंबर दस, भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? आपके विकल्प है ए मुंबई में, बी डिगबोई में, सी जामनगर में, डी बरौनी में। इसका जवाब है बी डिगबोई में। ऐसे जीके के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके विकल्प है ए सुपीरियर, बी बैकाल, सी मिशिगन, डी विक्टोरिया। इसका जवाब है ए सुपीरियर। सवाल नंबर 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए गुर्दा, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी हृदय। इसका जवाब है बी यकृत।